आज हम दोबारा निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए, जो कि रह गई थी कल। तो हाय ओसामा। हेलो। हेलो। ही हाय। इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी इन वेयरिंग दी जॉगर्स, जो कि अब पहन ली हैं। हाँ, अब मेरी बारी है। इट्स टू कोल्ड, इट्स 3 आउटसाइड। कैसा लग रहा है ओसामा आपको? आप बताएं इसका क्या आंसर होगा। बहुत खूबसूरत। माई शोहर लव्स एवरी थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। बट कोई तो नुक्स निकाल ले अगर कभी। नहीं, एवरी थिंग इज परफेक्ट, विच इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने अपने फोन का की सेटिंग चेक की? क्या सेटिंग? मोनो से स्टीरियो करना था इसको। अच्छा, नहीं, मिला नहीं कुछ ऐसा ऑप्शन है। चलो खैर। हेलो। सैंडल लेने आए हैं मेरे लिए, लेकिन अब ये पसंद आ रहा है और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इसमें साइज़ ही नहीं है। यही होता है। और ये भी अच्छा लग रहा है, बट ये पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, और इसमें एक साइज़ छोटा है। सो आई डोंट नो क्या ले बंदा। यही, लेट्स ट्राई। इसको निकाल इतनी ट्रिक से रहा है सामा, ये पहनूंगी कैसे मैं? छोड़ दो छोड़ दो सामा। बस सही है। यार ये जो कंफर्टेबल है ना, ओए होए होए। लेकिन तुमको लूज है ये। हाँ देखो ना, पैर बाहर निकल रहा है चलते हुए। प्लेन है ये? हाँ है तो प्लेन। अच्छी लग रही है ग्रीन कलर। तुम्हें याद है ये वैसी ही है सैंडल जिसमें हम हुक नहीं डालते? हाँ हाँ दिख रहा है। पता नहीं अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सही लगा है कि नहीं, बट आई जस्ट वांट टू सी द लुक अभी के नहीं है पोटेंशियली। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है वही। सिंपल एंड एलिगेंट जैसा मेरा ड्रेस है ये, उसी हिसाब से है। आई एग्री। एंड इसकी प्राइस भी 29 pounds, तो गुड है आई थिंक। साइज भी आ गया ये वाला तुम्हें थोड़ी ना? हाँ सही लग रहा है पैर में बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पे रिवर आइलैंड पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग सैंडल्स देख रहे हैं। इट लुक्स गुड। हाँ चल तो जानी चाहिए गोल्डन भी। सो सिंपल। इतना मुश्किल हो गया है ना सामान सैंडल लेना, बहुत मुश्किल हो गया अभी। साइज जहाँ पे जो पसंद आए वहाँ पे साइज नहीं है, जहाँ पे साइज है वहाँ पर राइट और लेफ्ट मुश्किल से मिल रहा है। मतलब यार उन्होंने डिस्प्ले पे दोनों राइट रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली लेफ्ट भी होगा ही ना, कहाँ जाएगा। गई है देखने के लिए अभी। तुम ज्वेलरी चेक कर लो। तो वो बच्चों की है हमारी उधर लगी है, वहाँ पे जाके चेक करते हैं। ज्वेलरी सेक्शन हो रहा सामने, वो गलती से लगा उधर, शायद ये सामने। कंफर्टेबल लग रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा
यहाँ आके यहाँ पे घुटने की तरफ अंगूठे की तरफ जो है वो प्रॉब्लम करेगी। वो तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल था, आप लोगों ने देख ही लिया था। सो नाउ आई थिंक हम लोग ये वाला ले लेंगे। थैंक यू। स्टॉक हमारा है लोविसा, कितने का है? 1450 है। यार देखिए, अगर आप लोगों को कभी कुछ समझ में ना आए ना कि किसी को गिफ्ट क्या देना है, तो फिर इट्स वेरी इजी कि आप गिफ्ट कार्ड ले लें ताकि लोग अपने हिसाब से ऑर्डर करें। सामान कौन सा लें इसमें से? कॉस्टा कॉफी ले लें, ये 20 pounds का है, सो उसका है। बट 20 pounds नहीं है ना लिमिट, हमारी 15 है बस, मैक्स 15 है। ये देखो अमेजोन के भी हैं, ये फाइनल हुआ है। किसी को भी आ जाएंगे। हाँ हो रहा है देखो। तो ये वाले चाहिए? हाँ। मुझे भी कौन से लेने चाहिए, मतलब गर्म कौन से वाले ज्यादा? ये थर्मल लिखा हुआ है इसके ऊपर फॉर सम रीजन, ये फिर ज्यादा गर्म होंगे ना। फ्लीसी क्लब है, पता नहीं क्या, आउटडोर। ये भी आउटडोर है, मिक्स थर्मल एसेंशियल, सर्दी का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो आई थिंक ठंड के लिए होते होंगे। ये वाले लूं मैं, फिर आई थिंक यही बिल्कुल, फिर महंगे साइज सही है तुम्हारे, मिक्स थर्म लिखा हुआ, तो आई थिंक वो मल्टीपल पर्पस के लिए चलते होंगे। एक्सट्रीमली वार्म है वो, तो लेट्स गेट दिस वन फॉर यू। जिनके से अगर नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट वो वाले आके ले लेंगे। और दो ऑप्शन रहेंगे, बट स्लिप संभाल कर रखनी है। क्या अम्ब्रेला कितनी, कौन सी बड़ी है? सारी बड़ी है। फट तो नहीं जाएगी? है। लग तो नहीं रहा, मटेरियल सही लग रहा है। कैरी करने का सीन है तुम्हारा? हाँ नहीं, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। आई थिंक तुम अपने लिए ले लो फिर, सारे काम ही हो गए। हाउ इंटरेस्टिंग, ये हमें पहले कभी भी आई थिंक पता ही नहीं था। रोस्टेड मंकी नट्स बोलते हैं इसको, आज ये मंकी रोस्टेड मंकी नट्स खाएगा। मूंगफली, मूंगफली। I think this is our second last stop. Almost सारे काम हो चुके हैं, वो एंड का सेक्शन है डेयरी का, हमारा सेकेंड लास्ट स्टॉप था। अब हम कहीं खाने के लिए रुकेंगे बिकॉज हम दोनों ही बहुत भूखे हो रहे हैं। मैंने ये डोनट किया है ट्राई करने के लिए, देखते हैं कैसा लगता है। क्या फूड बैंक? आई थिंक ये उसके लिए होगा, डोनेशन वगैरह के लिए। If you want to donate anything, क्या सीन है? कहाँ चल रहे हैं? क्या खाने? बाहर ही जाने हैं। हाँ बाहर जाइए। ये तो मैं चाइनीज खाने। यार I don't know actually मुझे क्या खाना है। I know what I want to. क्या खाना है? नाश्ता। Then let's go. चलो। तुम्हें क्या खाना है? मैं वहाँ से ही कुछ देखूँगी। कहाँ से? जहाँ से तुम नाश्ता करोगे। मैं घर पे नाश्ता करूँगा। स्पोर्ट्स डायरेक्ट। यार आप लोगों को मैं सही बताऊं, कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ग्लास, जब आप यहाँ पे आएंगे स्पोर्ट्स डायरेक्ट से ले लें। हाँ कि आई थिंक दिस कॉस्टेड अस अराउंड 6 pounds ईच, 6-7 pounds ईच। नहीं नहीं 6 pounds ईच, क्योंकि तुम्हारा कम था। हाँ 699 हमारा 6 था। हाँ मेरा 7, तो हाँ तो 12 pounds में बहुत अच्छी ग्लव्स मिल जाएंगे आप लोगों को। सो और ये जो है वो टच के साथ, ठीक है, आप इजीली टच स्क्रीन यूज कर सकते हैं। वी ट्राइड एंड फिर उसके बाद ही अच्छी है। तो हमारा जो लास्ट स्टॉप था वो लिडल प्लस था, लिडल था, लिडल लास्ट स्टॉप हमारा। यस वो मैं सेकेंड लास्ट स्टॉप समझ रही थी, बट वो ही लास्ट स्टॉप था। अभी एक्चुअली हमारा लास्ट स्टॉप जो है वो स्टॉप नंबर 8 था, बस स्टॉप नंबर 8।
नहीं होगी, बस अब हम घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है। शामों को बाहर नहीं खाना, शामों को बस अपना नाश्ता करना है जो उसने सोचा था सुकून से बैठकर करेगा खुशी से। तो अब वो 4 बजे होगा नाश्ता, क्योंकि दूध ही नहीं था। हमारी फास्टिंग हो गई, अच्छी बात है, अभी हमारे लिए ऑटोमेटिक हो गई। यार उसामा डोनट कैसा था? अच्छा था। चुम्मेश्वरी है? चुम्मेश्वर। मैं आजकल इंडियन डॉग्स भी देख रही होती हूँ, उनको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना तो बोलते हैं चुम्मेश्वर। सब छोड़िए। आई थिंक अब मेरी जो चिन है वो ऐसा नहीं लगता कि कोनी निकली है बस से बाहर। दाढ़ी है ना अब तुम्हारी, इसलिए। नहीं, इसमें भी नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। हाँ, stalking himself, self-obsessed। नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला था जब मैं अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरीज चला रहा था ना, तब कवल ने रात में सालन बना के रख लिया था। और अभी इस वक्त यहाँ पर 4:10 हो रहे हैं। हमने सुबह नाश्ता किया था, एक्चुअली मैंने सुबह नाश्ता किया था, नहीं कवल ने भी कुछ खा लिया था, और उसके बाद अब हम खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी 5 बजे क्लास है, उससे पहले व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं बना रहा हूँ कवल के लिए पतली वाली रोटियां, अपने लिए मैं बनाऊंगा पराठे, और सालन हो रहा है यहाँ पे साथ साथ गरम। यार खाना बना के रख दो तो जिंदगी में सुकून हो जाता है। तो कवल की जिंदगी में आज बहुत सुकून है, कवल ने खाना बना के रख दिया था। अब कवल कल का खाना शायद आज रात में बना देगी या कल बना लेगी हमारे पास। मैं कल भी घर पे होऊंगा इंशाल्लाह। तो परसों मैं घर पे नहीं हूँ, तरसों भी मैं घर पे नहीं हूँ, तो ये सारे खाने भी बनाकर जाके हूँ। और आज हम लोग एक वीडियो पे काम कर रहे हैं, वेंसडे एडम्स वाली, जिसकी शायद BTS मैं इस वीडियो में डाल दूं, शायद डाल दूं, पता नहीं। और इसके साथ साथ कल जो है एक गैदरिंग हुई थी हमारे दोस्तों की इन दुबई, फ्रेंड्स लाइक फैमिली, सारे लोग एक जगह इकट्ठे थे, सब लोगों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया। मैंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, लेकिन मैं उन वीडियोस को दोबारा बोलो, जिसमें हम नहीं थे, जिसमें हम नहीं थे लेकिन हम थे। हम लोग वीडियो कॉल पे भी गए, वो शायद हो सकता है कि बनाई हो किसी ने वीडियो, आई थिंक शहजाद बना रहा था वीडियो, लेकिन आई डोंट रियली रिमेम्बर नाउ। लबीब ने मुझे सारी की सारी वीडियोज भेज दी हैं, मैंने अभी तक नहीं देखी, डाउनलोड की थी लेकिन समथिंग हैपेंड, इंटरनेट का कुछ पंगा हुआ था तो एरर आ गया डाउनलोड होने में, तो मैं वो सारी डाउनलोड करके इस वीडियो के अंदर लगाऊंगा और आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। हम लोग दुबई को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, वी आर मिसिंग आवर फ्रेंड्स एज वेल। बहुत मजा आया सबको एक साथ देख के कल वीडियो कॉल पे, और लेट्स सी कि उन लोगों ने क्या क्या तफरियां की हैं। वीडियो सारी आ गई है मेरे पास, मैं खुद भी देखता हूं, आप लोग भी फर्स्ट टाइम देखें, इंजॉय। और आज हम लोग जो अपनी वेंसडे एडम वाली वीडियो बनाने वाले हैं, शायद उसके भी कुछ BTS मैं यहां पर डाल दूं। फाइनल वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी जब मुझे सब लोग भेज देंगे वीडियो, उसके बाद। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और उसामा, ये अनाउंसमेंट लगी हुई है, और समय हमने बेल बजा दिए। अस्सलाम वालेकुम। उसामा को हाय बोलो। उसामा ये वो घर है। उसामा वो तुम्हारी चेयर नहीं, सॉरी तुम हमेशा यहाँ बैठ के बिरयानी खाते थे, नीचे बैठ गए। हाँ नीचे, हाँ यहाँ बैठते थे, यहाँ इधर। और ये ट्रांसलेशन के लिए उसामा आइसक्रीम अलग है। मैंने कहा कि मैं आपको एक चीज दूंगा, चलो मैं।
देख के पाँव देख के कैमरा देखते तुम्हें कुछ लगाओ यहाँ से किसी ने कुछ खाया है वाली वीडियो ट्रांजिशन के लिए साढ़े चार हो रहे हैं और खाना रेडी है। खाना ये रहा, लग गया है। कवल का ऑफिस खत्म नहीं हो रहा, आधा घंटा बाकी है खत्म होने में, लेकिन खाने का ब्रेक ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि कवल ने आज खाने का ब्रेक नहीं लिया है। मेरी अभी 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए मुझे जल्दी जल्दी खाना खा के तैयार होना है। आई माइट बी कीपिंग माई कैमरा ऑन फॉर दिस कॉल। सी यू गाइस इन अ बिट, बाय। क्लास चल रही है अभी भी और कवल का ऑफिस भी चल रहा है। मेहनत जनाब, कहाँ ऊपर जा रहे हैं आप यार? एक तो ये हैंडहेल्ड गिम्बल जो है ना, सही से नहीं चलता कभी कभी। क्लास खत्म हो गई है, हम जरा अच्छी शक्ल बना के बैठ गए हम यहाँ पर। हम से मुराद मेरी, मैं लखनऊ वाला हम यूज कर रहा हूं। और इस वक्त हुआ जाता है मूंगफली का मंकी नट्स। वे तो ये चल रहा है यहाँ पर, कवल का अभी भी काम चल रहा है। मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स, साथ साथ मूंगफली खा रहा हूँ और पीछे चल रहा है हीटर। इस वक्त हमारे कमरे का टेम्परेचर हुआ है 23 और बाहर का टेम्परेचर इस वक्त 4 degrees या 3 degrees, सो इट्स ऑसम राइट नाउ। कवल कह रही है कवल को चाहिए है रेस्ट, मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग, सेम वीडियो, अनदर डे। ये वीडियो मैं एंड करना भूल गया था पहले, तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बनाया क्या है तुमने जो तुम एंड कर रहे हो? जो भी इन लोगों ने लिख दिया, जो भी लबीब ने, शहजाद और नजम वगैरह ने बनाया था, वो सब। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, जो कि अब मैं बनाना शुरू करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, दिस इज हम सिद्दीकी एंड दैट्स हाउ आई वेक अप।